उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में आज पांचवें दिन भी मजदूरों को बचाने का अभियान जारी है। 40 मजदूर अब भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए बेहद मुश्किलें आ रही हैं और साथ ही अब नई मशीन भी मंगाई गई है। नई मशीन से रेस्क्यू चलाया जाएगा और दिल्ली से लाई गई अमेरिकन अगर बोरिंग मशीन साइट पर पहुंच गई है और मशीन को इंस्टॉल भी कर लिया गया है और आज से बोरिंग का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि ये नई अमेरिकन अगर मशीन एक घंटे में 5 मीटर बोरिंग करेगी और मौके पर मौजूदा अधिकारियों का कहना है कि शाम तक मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया जाएगा। ताजा स्टेटस है वो इंस्टॉल हो चुकी है 99.99%। हो सकते मैं अभी अंदर से बाहर आया हूँ, काम शुरू हो गया होगा, पूजा चल रही थी और काम स्टार्ट होगा। अब बोरिंग कितने देर में शुरू होने वाली? बोरिंग शुरू होने वाली तुरंत, पूजा हो रही और बोरिंग स्टार्ट। अभी अगर बोरिंग शुरू होती है कब तक उम्मीद करें? अरे ये तो जमीनी हालत है, हम एग्जैक्ट टाइम तो मैं बता नहीं पाऊंगा। लमसम शाम तक लगभग शाम तक। जैसे बताया जाए कि एक घंटे में 5 मीटर ड्रिल करेगी, 60 मीटर आपका मलबा है तो 12 घंटे लगे, अनुमान तय क्या है? अनुमान तय सर क्लियर तो अब जमीनी हालत है, हो सकता है रॉक आ जाए कुछ आ जाए, वो एग्जैक्ट टाइम तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन शाम तक जो है। सिलक्यारा टनल हादसे में एजेंसियों में तालमेल और साथ ही दूरदर्शिता की कमी एक बार फिर से दिखाई दी है। कल पानी के पाइप से कुछ मोटा 143 मिलीमीटर व्यास के जिस पाइप को 33 मीटर तक डाल देने का NHIDCL के डायरेक्टर ने दावा किया था, सुबह होते होते उस काम को आधे में ही रोक दिया गया। कारण बताया गया कि पाइप को ड्रिल करने के कारण सुरंग में आगर मशीन के लिए जगह नहीं हो पा रही थी। सवाल उठता है कि क्या ये बात पहले से एजेंसियों को समझ नहीं आ रही थी या फिर बात कुछ और है जिसे मीडिया से छुपाया जा रहा है। बताया गया है कि इस पाइप के जरिए श्रमिकों तक और भी खाना पहुंचाया जा रहा था और साथ ही खाने को पहुंचाया भी जा सकेगा, और अगर ये पाइप आर पार हो जाता तो इससे मलबे की लंबाई का भी सटीक अनुमान लगाया जा सकता था। नई लाई गई आगर मशीन से ड्रिलिंग का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है, अगले कुछ घंटों में काम शुरू हो सकता है। तो तस्वीरें आपको उस मशीन की दिखा रहे हैं जो कि अमेरिका की मशीन है, दिल्ली से मंगवाया गया है और सबसे तेज ड्रिलिंग का ये काम करती है, और ऐसे में इस मशीन को इंस्टॉलेशन का जो काम था वो पूरा हो चुका है और अब रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। लोगों ने ऑक्सीजन पाइप के पैरेलल 143 मीटर का एक पाइप और इंसर्ट किया था, उसकी क्या प्रोग्रेस है? बता रहे थे कि वो 33 मीटर तक इंसर्ट हो चुका था, 33 मीटर जा चुका था और जो अंदर बंदे थे उनको उसकी आवाज आना भी शुरू हो गए थे, लेकिन हमारा मकसद है कि उनको सुरक्षित बाहर निकालना। खाना तो हम दूसरे पाइप से उनको दे ही रहे जब से वो अंदर फंसे हैं। जब दूसरी ओर ड्रिल की आवाज, इसका मतलब हम पहुंचने वाले थे, इसको रोका क्यों? क्योंकि हमने जो ये जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसको हमने इंस्टॉल करना था, क्योंकि हमने उनको बाहर निकालना है। खाना तो हम उनको दे ही थे दूसरे पाइप से, पर मेन मकसद है उनको सही सलामत। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, अगर मशीन तो आप ला ही रहे थे, प्लेटफॉर्म तो आपने कल दिन में बना ही लिया था, इसके बावजूद कल दिन से आपने पाइप डालना शुरू किया था, तो रोका क्यों? बस वो जानना चाह रहा हूं। वही तो बता रहा हूँ सर, हमारा मकसद है उनको बाहर निकालना। खाना तो हम उनको दे, वो सिर्फ उसको हम फूड दे सकते थे, लेकिन फूड तो उनको दिया जा रहा है, उनको हमने बाहर निकालना है। उतने हमारे पास स्पेस नहीं था कि दोनों चीज़ को हम एक साथ हो करें। अगर मशीन के वो आ गए थे, एसेसरी आ गए थे, उनको हमने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, इसलिए हमारे पास जगह नहीं बची और आज शाम तक वो रेस्क्यू हो जाएंगे। दरअसल किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं, इस रेस्क्यू में भी कई तरह की चुनौतियां हैं जिसके चलते रेस्क्यू में इतना वक्त लग रहा है। अब देखिए, पहली चुनौती यह है कि टनल में 60 मीटर मलबा जमा है, अब तक सिर्फ 20 मीटर मलबा हटाया जा सका है, अभी भी 40 मीटर मलबा हटाना बाकी है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बार बार मलबा आ रहा है, यानी कि एक तरफ मलबा हटाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मलबा वापस आ रहा है। ये बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी की गई थी। रेस्क्यू में देरी का एक बड़ा कारण यह भी है कि रेस्क्यू में लगी तमाम मशीनें पुरानी और कम क्षमता वाली हैं, और सबसे आखिर में रेस्क्यू की सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो निर्माण कंपनी और प्रशासन में तालमेल की कमी अब तक देखी जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के साथ में ग्राउंड जीरो से सुनील नवप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, चुनौतियों पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी मौजूदा हालात आप क्या देख पा रहे हैं? इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है, कितनी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, कितनी देर में ड्रिलिंग का काम शुरू होगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि टनल के अंदर से अभी प्रेजेंट टाइम पर कोई भी मलबा नहीं हटाया जा रहा है। इसका मलबा हटाने का काम परसों ही रोक दिया गया था। पूरे जो अभी तक एजेंसियां कह रही हैं, एनएचआई डीसीएल कह रहा है, 60 मीटर के एरिया में, अनुमानित 60 मीटर के एरिया में मलबा वहां पर पड़ा हुआ है। मलबा हटाने का काम आगर मशीन की एंट्री के साथ ही रोक दिया गया था। जब पहली वाली मशीन ने काम करना बंद की क्षमता कम निकली, तो ये दूसरी मशीन मंगाई गई। इस मशीन का इंस्टॉलेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बोरिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके इंस्टॉलेशन में लंबी एक प्रक्रिया होती है, बहुत टेक्निकल ये वर्क है। करीब 80 टन से अधिक वजनी बोरिंग मशीन है, उसको ले जाना ही इस टनल के अंदर बड़ी दिक्कत था, क्योंकि जो लोडर पे वो मशीन थी उसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो टनल से ऊपर जा रहा था, तो उसको बमुश्किल टनल में एंट्री उसकी कराई गई। उसके बाद इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, यहाँ तक कि मशीन को स्टार्ट भी कर दिया गया था, लेकिन बोरिंग का वर्क अभी शुरू नहीं हो पाया। क्या कारण है कि बोरिंग का काम अभी शुरू नहीं हो पाया, इस संबंध में कोई स्पष्ट तौर पर बताने को तैयार नहीं है। आपने अभी एनएचआई डीसीएल के पीआरओ को सुना, बहुत पूछने के बावजूद भी वो बहुत स्पष्ट नहीं कर पाए कि बोरिंग शुरू हुई या नहीं हुई। मशीन के लिए उनका कहना है कि 99.90% जो मशीन है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन बोरिंग का वर्क अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में बोरिंग का काम शुरू हो जाएगा। सब लोगों की नज़र इसी बात पर है कि कब बोरिंग का काम शुरू हो। जिस तरह से मशीन के बारे में बताया जा रहा है कि ये हाई पावर कैपेसिटी की मशीन है, एक घंटे में 5 मीटर तक बोरिंग करेगी, करीब 60 मीटर के आसपास जो अनुमानित जो मलबा बताया जा रहा है, तो आप मानकर चलिए कि 12 घंटे के अंदर आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है, यानी कि देर रात तक, रात 12 बजे तक कुछ अच्छे संकेत टनल से हमको मिल सकते हैं, यदि पूरा ऑपरेशन प्लानिंग के अनुरूप चलता रहा तो। अभी हम ऑपरेशन साइट पर हैं, यहाँ पर सड़क परिवहन राज्य मंत्री बीके सिंह भी पहुंचने वाले हैं, तो आ रहा है, वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्या इस मशीन में कोई ऐसा भी फीचर है जिससे कि मलबे को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, पूरे टनल के अंदर एक कैविटी बन चुकी है, 50 से 60 मीटर लंबी कैविटी। इसको रोकना, जो हमने एक्सपर्ट से बात की जो टनलिंग के क्षेत्र में काम करते रहे हैं, इस कैविटी को रोकना एक तरह से इम्पॉसिबल सा काम है। ऐसी कोई मशीन नहीं है कि इसको मलबे को रोक सके, लेकिन ये जो मशीन है ये उस मलबे को फाड़ते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ेगी। इसमें ब्लेड हैं, लंबी ब्लेड हैं इस मशीन में लगेंगी, और वो जब घूमेंगी तो वो ड्रिल करते हुए, बोरिंग करते हुए आगे बढ़ेंगी। इसी बोरिंग में ह्यूम पाइप इंसर्ट किए जाएंगे, जो करीब अलग अलग ह्यूम पाइप हैं उनके पहले वेल्डिंग करके एक सुरंग सा बनाया जाएगा, और उसके बाद उस सुरंग में इन ह्यूम पाइप को इंसर्ट किया जाएगा। जब ये ह्यूम पाइप मलबे के आर पार हो जाएंगे, तो इसी ह्यूम पाइप के जरिए जो 40 जिंदगियां मलबे के दूसरे पार पिछले 100 घंटे से फंसी हुई हैं, उनको एक एक कर वहां से निकाला जाएगा। लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि जब पहले जो बोरिंग मशीन यहाँ पर काम कर रही थी, उसने 7 से 8 मीटर बोरिंग शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच जिस तरह से इंजीनियर का कहना था कि ये टेलकम पाउडर की नेचर की यहाँ की मिट्टी है, कि अगर आप थोड़ा सा खोदेंगे तो दुगनी तिगुनी चौगुनी मिट्टी ऊपर से भरभराकर गिर रही है। यही चुनौती इस मशीन को भी फेस करनी होगी, लेकिन चूंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये अनुमान, ये उम्मीद है कि उस चुनौती को पार कर जाएगी, और देर शाम तक कुछ अच्छी खबर टनल से लोगों को मिल सकती है। जी बिल्कुल सुनील, उम्मीद यही कि कुछ अच्छी खबर यहाँ से शाम तक मिले, क्योंकि जो इंतजार है वो काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह का दौरा है, और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण भी करेंगे वीके सिंह। तो सिलक्यारा ऑपरेशन साइट पर पहुंचे हैं वीके सिंह, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उत्तरकाशी पहुंचे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह। तो अभी आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखा रहे थे, वहां क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं उसके बारे में भी आपको बता रहे थे। और अब जानकारी ये मिल रही है कि उत्तरकाशी पहुंचे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह।
देखिए काम चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग आए ताकि चीजें आप भेज दी हैं और जितना जल्दी काम शुरू हो इसी आशा के लिए हम सब लोग देख रहे हैं। अब जगह पर जाके देखेंगे कैसे काम चल रहा है कैसे। फिर भी आप क्या सोचते हैं, आज रेस्क्यू स्टार्ट हो सकता है? जियोलॉजी क्या है वो हमें पता नहीं, मशीन लगाई है, इससे पहले भी लगाई थी वो ठीक तरह से नहीं चली, अब दूसरी मशीन लगाई है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या क्या उसका प्रोग्रेस क्या रहा है। सिलक्यारा टनल हादसे में एजेंसियों में तालमेल और साथ ही दूरदर्शिता की कमी एक बार फिर से दिखाई दे रही है। कल पानी के पाइप से मोटा 143 मिलीमीटर व्यास के जिस पाइप को 33 मीटर तक डाल देने का NHIDCL के डायरेक्टर ने दावा भी किया था, और सुबह होते ही देखिए एक बार फिर से उसको लेकर एक नई जानकारी ये मिल रही है कि अब पाइप के जरिए ही लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो मशीन के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है, देखिए कुछ ही देर में जो बोरिंग का काम है वो भी शुरू हो जाएगा। हालांकि जो जानकारी मिली है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो 20 मीटर तक का मलबा था उसको हटा लिया गया है और अब 40 मीटर तक का मलबा है जो कि हटाना है, और जो कुल लंबाई थी वो 60 मीटर थी। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 3.1 रही भूकंप की तीव्रता। रात 2:02 पर भूकंप आया था मोरी पुरोला बड़कोट में, भूकंप के झटके महसूस किए गए। टनल ऑपरेशन में खतरनाक हो सकता है ये भूकंप। टनल के अंदर लूज फॉल की भी आशंका बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो अधिकारियों की तरफ से अभी बयान सामने आया उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और अभी सभी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर भूकंप की बात करें तो रात को 2:02 पर भूकंप आया था, कई इलाकों में महसूस किया गया भूकंप को, और 3.1 रिक्टर स्केल पे तीव्रता रही। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अब बीजेपी इसके लिए पूरी तैयारी में जुटी है। प्रदेश में कई जगहों पर बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, इन्हें राम मंदिर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी को लगता है कि हर सनातनी को प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनना चाहिए, इसलिए बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के साथ में मिलकर लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण देगी और इसके लिए अयोध्या से लाए गए अक्षतों का इस्तेमाल होगा। साथ ही हर ब्लॉक में राम मंदिर से सीधा प्रसारण दिखाने की प्लानिंग भी है। जो मंदिर हैं सनातन संस्कृति को मानने वालों के, भारतीय संस्कृति को मानने वाले, भगवान रामचंद्र जी पर आस्था श्रद्धा रखने वाले, ऐसे जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कुमाऊं के दौरे पर हैं। बुधवार को अपने पैतृक गांव अल्मोड़ा के लुआली पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी और मंदिर में पूजा अर्चना की। धोनी ने गांव के अपने घर में अपनी फोटो खिंचवाई और गांव वालों के साथ में सेल्फी भी ली। धोनी का गांव लमगड़ा ब्लॉक के लुआली में है और वो सड़क से 1 किलोमीटर अंदर अपनी पत्नी के साथ में पैदल चलकर अपने गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से दोबारा फिर आने का भरोसा दिया और धोनी अपने गाँव करीब 20 साल बाद आए थे, जिससे कि ग्रामीणों में काफी उत्साह भी देखा गया। अच्छा लगा अपने गांव में आए, अच्छा लगा। आपने क्या किया? उनका स्वागत किया, क्या चूड़ चूड़ पूजे आए, वो उनके लेके गए, हाँ पूजा करी, सब मंदिरों के दर्शन करवाए, अपने घर में गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ, पहली बार सर इधर देखे हमने अपने लाइफ में, तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। क्या उम्मीद है तुम्हें इनके आने के बाद? यहाँ के बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद है।
महेंद्र सिंह धोनी जब अपने गांव के लोगों से मिले तो गांव में अपने रिश्ते की लगने वाली बहन से भी उन्होंने मुलाकात की। पहले उनके पैर छुए और फिर उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद भी लिया। नहीं अब पता चला। प्रतिभा थपलियाल ने बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और देश का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। उत्तराखंड की 43 साल की प्रतिभा थपलियाल ने साउथ कोरिया में हुए 14वें वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये देश के लिए पहला मौका है जब किसी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कोई महिला देश के लिए मेडल जीत कर लाई हो। प्रतिभा ने पिछले 1.5 साल में पहले इंडिया में हुई चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और फिर नेपाल में हुई एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। बहुत टफ था क्योंकि एक लेवल होता है इंडिया लेवल, इंडिया में मैंने गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद एशिया था, एक सीढ़ी और मुझे ऊपर चढ़ना था, तो उसके लिए और हार्ड वर्क था, तो किया मैंने हार्ड वर्क। सफर तय करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम लोगों का गेम जो है बहुत मेहनत मांगता है, बहुत डिसिप्लिन मांगता है और डेडिकेशन मांगता है। प्रतिभा थपलियाल का कहना है कि उनकी जीत में उनके कई सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिसके बलबूते आज वो ये मुकाम हासिल कर पाई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुले 2 साल बीत गए हैं लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं साल दर साल और भी ज्यादा खराब होती जा रही हैं। बीते 1 साल में डीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ने जल्द ही ओटी शुरू करने का दावा किया था लेकिन अभी तक ओटी शुरू नहीं हो पाया है। स्थिति ये हो चुकी है कि ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में होने थे और अब हल्द्वानी रेफर किया जा रहा है, तो विपक्ष ने जल्द ही ओटी शुरू करने की भी मांग की है। ऑर्थोपेडिक के इन्होंने कल्चर जो किया था वो अभी पास नहीं हो पाए थे, तो दोबारा सैनिटाइज करके दोबारा कल्चर लेने के निर्देश दिए गए थे। संभवतः उसकी अभी रिपोर्ट अपेक्षित है, जैसे ही पास होंगे उसके बाद ये ऑपरेशन भी वहाँ स्टार्ट कर दिया जाएगी। यहाँ के प्राचार्य द्वारा भी कहा गया कि हम जल्दी इसको संचालित कर लेंगे लेकिन अभी तक ओटी संचालित नहीं हुआ, जिससे कि यहाँ हमारे कई ऐसे मरीज हैं जिनका ऑपरेशन यहाँ होना था लेकिन यहाँ से हल्द्वानी रिफर किया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात। उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच ना हो ये कोशिश उद्यान विभाग के अफसरों की रही लेकिन विपक्ष का दावा है कि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होने देंगे, तो शिकायत करने वाले विधायक ने भी सीबीआई जांच की मांग भी की है और साथ ही सीबीआई जांच करवाने की बात भी वो कह रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उद्यान विभाग में घोटाले की परतें जब सीबीआई उधेड़ेगी तब पता चलेगा कि किसानों और बागवानों के पैसे किस किस ने डकारे। उद्यान विभाग के अफसरों का प्लान तो था कि सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए लेकिन अब इस प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है। एक तरफ शिकायत करने वाले बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल उद्यान विभाग के कारनामों पर हैरानी जता रहे हैं तो खुद बता रहे हैं कि ये किसानों के नाम पर कितना बड़ा घोटाला है। दुर्गेश्वर लाल के मुताबिक एक बार उन्होंने खुद इस हाल पर कोर्ट में जनहित याचिका लगाने के बारे में प्लान किया था लेकिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से एक्शन और अब सीबीआई जांच से वो संतुष्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही खुद इसको संज्ञान लिया और जो उद्यान डायरेक्टर था जो उसके द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा था, वहाँ पे जो किया गया घोटाला था, जो भ्रष्टाचार था, उसको उन्होंने तुरंत तत्काल उनको जो है निलंबित किया, सस्पेंड किया। आने वाले भविष्य में इस तरीके से कभी दूसरा व्यक्ति सोचे भी ना, इसलिए ये एक तरीके से एक एग्जाम्पल भी है और कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए थे लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया है। माहरा के मुताबिक अब सरकार भी नहीं चाहती कि उद्यान विभाग सुप्रीम कोर्ट जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वाकई में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है
धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री को इस विषय पे कि उन्होंने जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डालने की बात हो रही है, सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, उसको मुख्यमंत्री ने जो मेरी जानकारी है रोकने का काम किया है, क्योंकि जो गलत है उसकी जाँच होनी चाहिए और ये स्टेट के हित में है और ये जाँच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश बता रहा है, विधायक का बयान बता रहा है, एसआईटी की जांच बता रही है कि पौधे लगाने वाले उद्यान विभाग में घोटाले की जड़ें बड़ी गहरी हैं और अब देखना होगा कि सीबीआई करप्शन की जड़ों को कहां तक खोज और खोद पाती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।